तो आप बोलोगे भाई इसमें तो लाइन आ गई, तो वो कहेगा भाई मेरी गारंटी थोड़ी है, कल तो तुम यहाँ से सही लेके गए हो, मुझे नहीं पता एकदम सही है, मेरी डिस्प्ले सही थी भाई, या तो सही डिस्प्ले दे दे मेरी। जय हिंद दोस्तों, टेक्निकल बिट्टू फोन में स्वागत है आपका। देखिए दुकानदार ने कहा कि मैंने ओरिजिनल डिस्प्ले डाली है, आप कैसे पहचानोगे, हम आपके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है ना, तो आपको कैसे पता चलेगा भाई कि डिस्प्ले उस बंदे ने कैसी डाली है। आज आपको इसी बारे में हम बात करने वाले हैं। अब देखिए जैसे कि आपने डिस्प्ले डलाने के लिए किसी दुकान पर फ़ोन दिया, आप डलाने गए, आपने पूछा कि भाई डिस्प्ले कौन कौन सी है, तो वो आपको दुकान वाला मैनिपुलेट करता है, वो बोलता है कि ओरिजिनल डिस्प्ले हैगी मेरे पास, ये इतने की है और लोकल इतने की है। अब आप कैसे पहचानोगे ओरिजिनल क्या है और लोकल क्या है, क्योंकि आपको इस चीज़ के बारे में तो नॉलेज इतनी होगी नहीं, दुकानदार को ज़्यादा होती है कि वो किस तरीके से कस्टमर को बना रहा है। तो आज मैं आपको है ना उनकी पोल पट्टी बताता हूँ, आप कैसे पहचानोगे। देखो ठीक है, ये मैंने डिस्प्ले डाली है ठीक है, और ये कॉपी है ठीक है, मैं ये इसे ओरिजिनल नहीं बोल रहा भाई, क्योंकि ये कॉपी है ठीक है। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, कॉपी डिस्प्ले में भी है ना कई तरह की क्वालिटी आती हैं, एक घटिया से घटिया क्वालिटी भी आती है, सस्ती भी आती है, थोड़ी महंगी भी आती है, और भी ज़्यादा महंगी भी आती है, उसके बाद लास्ट में जाके कहीं ओरिजिनल आती है, वो ओरिजिनल मिलती है भाई सर्विस सेंटर में, दुकान पे तो मिलती नहीं है। सर्विस सेंटर वाले अपना माल नहीं बेचते भाई, उनका कोई होलसेलर नहीं होता कि दुकानों पे सप्लाई करेंगे वो, तो जितनी आपको वीडियो बना बना के यूट्यूब पे कई बंदे बनाते रहे, यहाँ ओरिजिनल फोल्डर मिलेगा, ओरिजिनल नहीं होता भाई, सारे कॉपी होते हैं। अच्छा आपको कैसे पहचाननी है, देखो आज बताता हूँ। आप जब भी आपके फ़ोन में डिस्प्ले डल जाए ना, आपके फ़ोन में डिस्प्ले डाल के दे दे दुकानदार, तो अब वो कहेगा कि भाई चेक कर ले, तो अब वहाँ पर आप फंस जाते हो कि यार मैं कैसे चेक करूँ, शर्म भी आती है कि यार पता तो है नहीं यार मुझे, वो चीज़ मैं इस वीडियो में आपकी दूर करने वाला हूँ। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, सब्सक्राइब कर देना, भूल जाते हो भाई बाद में आप ठीक है। 48,000 पहुँच गए हम, और भी आगे जाएंगे यार। देखिए आपको क्या करना है, आप अपने फ़ोन की जो डिस्प्ले की लाइट है ना, इसे फुल कर दीजिए, ये डिस्प्ले की लाइट है, आपने जैसे डिस्प्ले डलाई आप 5-10 मिनट तो चेक करोगे ना उसकी दुकान पे। अब मैं बताता हूँ आपको, इसे फुल कर लो लाइट को, ये एकदम फुल हो गई। अब क्या करना है आपको, अब अपने फ़ोन को आप यूज़ कीजिए, या तो फोटो वीडियो देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, देखते रहो 5-10 मिनट, पाँच मिनट तो कम से कम चेक कर लो यार, 5 मिनट में मैं बता दूँगा आपको कि उसने डिस्प्ले आपके फ़ोन में कैसे डाली और उस प्रॉब्लम से क्या प्रॉब्लम आने वाली है, आपकी डिस्प्ले कितने दिन चलने वाली, ये भी आपको बता देता हूँ। देखिए अब ये फुल लाइट मैंने कर दी थी इसकी, अब इसके बाद इसके ऊपर स्टिकर लगा हुआ है, हटा दो क्या, वैसे मैंने कस्टमर की डिस्प्ले लगाई है यार, आपको वैसे ही समझा दूंगा। अच्छा अब देखिए आपको आपने फुल लाइट कर दी, 5 मिनट आप यूज़ कीजिए, कुछ भी काम करो, चाहे गेम खेल लो चाहे कुछ भी कर लो। देखिए यहाँ पर है ना, इस जगह नीचे की साइड में यहाँ पर डिस्प्ले का पत्ता लगा होता है, देखिए ऐसे, ये है डिस्प्ले का पत्ता ठीक है, ये डिस्प्ले ऐसे लगी होती है इस पर, तो यहाँ पर है ना नीचे की साइड में, इस साइड में ये लाइट स्ट्रिप होती है, और लोकल वाली जो लाइट होती है ना, जैसे कि आपको मैं उदाहरण के लिए समझाऊं कि फ़िलिप्स का बल्ब आपने देखा होगा एक 600 रुपये का भी आता है, और वैसे ही एलईडी में एक 50 रुपये का भी आता है, तो भाई कुछ तो फ़र्क होगा 600 रुपये 50 रुपये में है ना, तो आप समझ सकते हैं। तो ये एलईडी जो होती है ना, ये सबसे घटिया क्वालिटी की होती है, तो कुछ तो फ़र्क होता है ये 600 रुपये 50 रुपये में है ना। तो अब आपको बताता हूँ, यहाँ पर है ना गर्म होने लगेगा नीचे की साइड में, आप 5 मिनट यूज़ करोगे ना, आप उंगली लगाकर ऐसे टच करके देखना, अगर आपकी उंगली गर्म हो रही है, मतलब यहाँ से गर्म गर्म आपको महसूस हो रहा है, हल्का फुल्का नहीं बहुत तेज, मतलब तेज़ ही आपको लग रहा है कि यार गर्म बहुत हो रहा भाई, तो आप उसी वक्त उसके दुकानदार को बोलिए भाई इसमें जो डिस्प्ले डली है ना वो ठीक नहीं है, ये प्रॉब्लम कर जाएगी। अब देखिए आपको मैं बताता हूँ खुल के, मैं आपको क्या बात बताना चाहता हूँ। देखिए ये लगा ना लाइट का पत्ता, ये लाइट स्ट्रिप लगी हुई है, ये लाइटें होती हैं जो ऊपर की तरफ रिफ्लेक्शन देती हैं इस पर रिफ्लेक्टर पे, ये रिफ्लेक्टर है ना, ये रिफ्लेक्टर है, इस रिफ्लेक्टर को ये लाइटें लाइट देती हैं, यहाँ से इसका रिफ्लेक्ट आगे तक जाता है और पूरी वाइट कर देता है डिस्प्ले को। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि यहाँ से ये लाइटें ना गर्म होने लगेंगी अगर ये लोकल क्वालिटी की होंगी, और लोकल क्वालिटी की जो डिस्प्ले होती है ना उसमें सबसे घटिया क्वालिटी की एलईडी लगी होती हैं ठीक है, ये लाइट इमिटिंग डायोड लगे होते हैं। तो ये चीज़ आपको पहचाननी है, अगर गर्म होने लगे ना, अगर ज़्यादा गर्म होगा ना भाई, वो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आप मान लीजिए घर ले गए डिस्प्ले को लेके, लगवा लिया आपने, अब आप ले गए अपने घर, और भाई साहब आपने रात भर यूज़ करी, सुबह आपके पास एक प्रॉब्लम आ गई, कौन सी वाली आपके पास प्रॉब्लम आ गई भाई साहब, लाइनें आ गई, लाइनें समझते हो, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूँगा किसी डिस्प्ले का, लाइनें आ जाती हैं लंबी लंबी। अब वो लाइनें आने का कारण यही होता है कि यहाँ पर एलईडी हुई गर्म, ये एलईडी है ना, ये एलईडी हो गई गर्म बहुत ज़्यादा, और इस गर्म एलईडी ने यहाँ ये जो लाइट, ये जो पत्ता लगा हुआ है ना डिस्प्ले का,
यहाँ पर आपका ये सेंसर होते हैं जिस पे ये पत्ता चिपका हुआ होता है, ठीक है, वो जगह हो जाएगी गर्म और वहाँ से ये पत्ता, इस पत्ते में आप ध्यान से देखेंगे ना, देखिए बहुत सारी आपको वो दिखाई देंगी लाइन, वो लाइन नहीं है, वो ट्रैक है, वो तार है बेसिकली। साफ सुथरा अगर दिखेगा तो मैं दिखाऊंगा, देखो हाँ दिख गया, ये जो वायर दिख रहे हैं ना आपको, ये तार जाके यहाँ सेंसर के पत्ते पर लगे हुए हैं, इधर में से एक भी तार अगर छूट जाएगा ना तो उस जगह से लाइन आ जाएगी डिस्प्ले पे, एकदम से लाइन आ जाएगी वहाँ से गर्म होते ही। तो अब आप अगले दिन जब दुकान पे जाओगे ना उसके, तो आप बोलोगे भाई इसमें तो लाइन आ गई, तो वो कहेगा भाई मेरी गारंटी थोड़ी है, कल तो तुम यहाँ से सही लेके गए हो, मुझे नहीं पता एकदम सही है, मेरी डिस्प्ले सही थी भाई, या तो सही डिस्प्ले दे दे मेरी, नहीं तो फिर भाई लाइन तो अपने आप देख, और नहीं तो फिर दोबारा फोल्डर डलेगा, दूसरा डलेगा। तो ये इस झंझट में आप ना फंस जाओ, इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, और ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने भाई की वीडियो को शेयर करना और लाइक करना, भले ही डाउनलोड करके कर देना यार, मत वायरल करो, भले ही डाउनलोड करके कर देना, मगर लोगों के पैसे बचने चाहिए यार, आजकल बहुत धांधलेबाजी चल रही है इस लाइन में। देखिए लोकल जिस डिस्प्ले जो आती है ना घटिया से घटिया क्वालिटी की, वो सस्ती आती है, जैसे कि एक डिस्प्ले मिलेगी आपको 450 रुपये की, एक मिलेगी 550 की, एक मिलेगी 800 रुपये की, तो वो क्वालिटी वाइज डिस्प्ले मिलती है, इसलिए आप दुकान पर जब जाते हो ना तो बोलते हैं आपको हल जाते हैं कि फर्स्ट कॉपी डालूं भाई या सेकंड कॉपी डालूं या थर्ड कॉपी डालूं, वहाँ फंस जाते हो, आप कहते हो भाई फर्स्ट ही डालो, क्यों थर्ड कौन बोलेगा, आज तक किसी ने नहीं बोला होगा भाई साहब दुकान पे कि थर्ड कॉपी डाल दो, सब ये बोलते हैं भाई फर्स्ट कॉपी डाल दो, कुछ पैसे कम कर लो, ऐसे ही तो बोलते हैं ना। तो भाई मैं दुकान में हूँ इसीलिए मैं ये एक्सपीरियंस से बातें बता रहा हूँ, कस्टमर जो चीज़ बोलता मैं आपको वो चीज़ सीधी सीधी बता रहा हूँ यार, मुझे स्क्रिप्ट लिख के बोलना नहीं आता, सिंपल सी बात है। अच्छा तो उस वक्त दुकानदार क्या बोलेगा आपको, हाँ भाई मैं फर्स्ट कॉपी डालूँगा, इतने की है और सबसे बढ़िया डिस्प्ले होगी भाई, मेरी गारंटी है डिस्प्ले की। अब भाई साहब गारंटी तो उसने बोल दी, अब गर्म होने लगा यहाँ पे, और अगले दिन जब आप जाओ उसमें लाइनें वगैरह कुछ आ गई तो फिर उसके बाद कहेगा भाई देखो लाइन की थोड़ी गारंटी होती है। अब आपको भाई फिर डिस्प्ले फिर गारंटी किस चीज़ की थी, तो वो आपको किसी ना किसी तरीके से मैनिपुलेट करेगा, आजकल यही होता भाई, गारंटी का मतलब बेवकूफ़ बनाना होता है, ठीक है। तो ये छोटी सी चेक करने की जानकारी ये है ना, वो भी नहीं जानते भाई मोबाइल रिपेयर वाले, 80% लोग नहीं जानते होंगे इस चीज़ को जो मैंने ये बता दिया आपको वीडियो में। आप जल्दी से वीडियो को शेयर कर देना और लाइक करना दोस्तों, और जल्दी से आगे बढ़िए, अपने चैनल को बड़ा कीजिए, बहुत जल्दी आपने 50,000 के करीब होने वाले हैं अपने सब्सक्राइबर, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और लव यू ऑल। बहुत से भाई कहते हैं कि सर शॉर्ट आउट दीजिए, शॉर्ट आउट मतलब नाम बताइए कुछ व्यूवर्स का, तो मेरे लिए सारे प्यारे हो आप, कितनों के नाम बताऊँ भाई, 1000 कमेंट आ रही डेली की, थैंक यू, मैं सबके नाम तो लेना पॉसिबल नहीं, मगर मैं कुछ कोशिश करूँगा अगली वीडियो से ना, मैं शॉर्ट आउट दिया करूँगा कुछ नाम स्पेशल छाट के, जो भाई अच्छी सी कमेंट करेगा उसके लिए अच्छे अच्छे शॉर्ट आउट दूंगा। अच्छा ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी डिस्प्ले पहचानने की, ये डिस्प्ले पहचानने की ट्रिक मोबाइल वालों को ना पता होगी मगर आपको पता चल जाएगी भाई साहब, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।